जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीएससी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोस्ट नॉन कमेंट के रिगार्डिंग। आपके यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट, और साथ में दोस्त इतनी लंबी जो आपकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जारी की गई है, वो यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और काफ़ी बच्चे जो कि परेशान भी हैं, साथ में उन बच्चों के कारण परेशान है जो कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं मेरा तो आ गया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन भी बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे आज जो है डिस्कस करने वाला हूँ दोस्त, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक बड़ा इशू भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं जितने भी नोटिफिकेशन एयरफोर्स के रिगार्डिंग जारी किए जाते हैं वो सब के सब आपको वहाँ पे भेजता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम एडमिट कार्ड की ओर चलते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात को डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर अभी जैसे क्या हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना भाई, वो वापस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, और इसका सिर्फ केवल कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वजह कुछ पता नहीं चल रही है। जैसे यहाँ पे देखो, और इसको आप बताना भाई कि क्या वजह है कि इनको जो है भाई रिजेक्ट करके फॉर्म को भेज दिया है। एक वजह तो ये दिखती है कि इन्होंने स्पीड पोस्ट के थ्रू आवेदन किया है, तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के दोस्त विरुद्ध है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता क्योंकि स्पीड पोस्ट के थ्रू काफ़ी बच्चों ने आवेदन किया है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर स्पीड पोस्ट के थ्रू आवेदन किया है आपने, तो दोस्त इनका 9 सितंबर 2023 को वापस आया है, इस प्रकार से आपका भी वापस आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन इनकी मैंने एक गलती और भी देखी। गलती क्या थी, गलती देखिए दोस्त, इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, ऊपर जो है यहाँ पर क्या लिखा है वो एक बार देख लीजिएगा। ऊपर यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, ऊपर यहाँ देखिए अग्निवीर नॉन कमेंट, ये क्या लिख दिया भाई, ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, और यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ से यहाँ तक कर ये क्या किया है भाई आपने। चलो भाई ये देखो, इनका वापस आ गया यार, एक दो बच्चे हो रहे हैं जिन मुझे लगातार यहाँ पे व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, सर आ गया है मेरा वापस आ गया है, मेरा वापस आ गया है। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मैं तो बस इतना ही कहा था कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन को ज़रूर फॉलो करना, और ज़रूर फॉलो नहीं करोगे तो आपका कोई भी वजह के कारण, एयरफोर्स बताती नहीं है कि आपने ये गलती की है, ये मैंने तभी भी बोल दिया था कि आपको एयरफोर्स नहीं बताएगी आपने, बस केवल आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही अपनी गलती का महसूस करना है। तो इनकी मुझे दो गलतियां जो है लग रही है, पहली गलती ये भी है, और हो सकता है कि भाई उन्होंने डाक टिकट जो है ऊपर नहीं लगाई है, क्योंकि डाक टिकट भी ऊपर भी लगाना चाहिए भाई। देखो मैं बोलता हूँ कि 10 रुपये, लेकिन ये तो आपका ऑफिशियली नहीं कि आप सेल्फ पे लगाओ, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। अभी मैं चलता हूँ, सॉरी भाई, देखिए एडमिट कार्ड की ओर चलता हूँ भाई। चलो भाई एडमिट कार्ड के बारे में बात। अच्छा भाई एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई किसी को पर्सनली आप मैसेज वगैरह मत किया करो, क्योंकि घबरा जाते हैं लोग, फिर आपको जो है ना उसी तरह ट्रीट करते हैं कि अनजान की तरह। थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखा करो, किसी को मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, बट आप किसी को पर्सनली आप अपने तरफ जो किसी को मैसेज मत करना, ठीक है भाई। अभी देखो यार, ये एक एडमिट कार्ड है और ये एडमिट कार्ड आप देखेंगे, लेकिन मुझे भी यहाँ पे देखिए, आपको ये जो एडमिट कार्ड दिखा रहा है ये हाउस कीपिंग का एडमिट कार्ड है। इस प्रकार से कई एडमिट कार्ड, और वो जो बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि मेरा आ गया है, तो उनका एडमिट कार्ड किस प्रकार से आया है वो भी मैं इस वीडियो में ही बात करूँगा। देख सकते हैं भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो 24 नवंबर 2023 10:30 बजे ये, और ये, और यहाँ 10 नवंबर, क्या है ये,
इस प्रकार का एडमिट कार्ड शेयर किया जा रहा है बच्चों के साथ, और फिर भाई बताया जा रहा है मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मेरा एडमिट कार्ड आ गया। भाई मैं तो देखते ही आपकी जो है पहचान पा रहा हूँ, लेकिन देखो भाई इतनी लंबी डेट देकर आपको कोई भी ठग सकता है भाई, आपको कोई नोट्स भेजेगा, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई आपको किस तरह से भी आपको बुला फिसला सकता है कि ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। लेकिन भाई इसमें तो स्पष्ट क्लियर दिखता है कि भाई ने जो है 2023 यहाँ से काट दिया, यानी ये 2022 है कन्फर्मली, क्योंकि मैं मेरे याद था कि भाई ये इस प्रकार का था, और यहाँ से भी जो मेन चीज़ें थी वो कट कर दी, यहाँ से भी कट कर दी। ये तो आधार नंबर है, ये कोई बात नहीं, पर्सनल डिटेल है। तो ये एडमिट कार्ड बिल्कुल फेक एडमिट कार्ड है भाई, फेक का मतलब ये पिछले साल का ही एडमिट कार्ड है। अभी आपकी 24, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर 24 नवंबर इतना लंबा डेट कैसे आ गया, अभी ये लंबे डेट इतना जो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना लंबा डेट थोड़ी आएगा भाई कि अक्टूबर नवंबर इतना लंबा डेट नहीं आएगा। और पहली बात अगर आएगा भी तो फिर इतना जो है यहाँ पे आपका नहीं जाएगा, यानी आपका जो है एडमिट कार्ड फिर इतना पहले कैसे आ सकता है। तो आपको मैंने बताया एडमिट कार्ड लगभग 20 या 10 दिन तक आपके एडमिट कार्ड पहले आ सकते हैं। अभी दोस्त यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो है डिस्कस करें, तो सबसे चीज़ की आपका ये तो आपका कन्फ्यूज, देखो यार कोई नोट्स वगैरह जो भी सेल कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपको बोलूँगा कि भाई हम भी आपको जो है 15,000 क्वेश्चंस इंग्लिश के दे रहे हैं, नाम मात्र शुल्क कर दिया है, मात्र आपको 99 रुपये में बहुत ज़्यादा जो है मैटर मिल रहा है भाई। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बोलता हूँ जीके पढ़ लेना, जीके पढ़ने के अलावा कुछ मत पढ़ना, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है 10,000 क्वेश्चंस हैं जीके के, उसके साथ क्या है 5 मॉक टेस्ट हैं, उसके साथ क्या है 52 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये भाई किसी को लेना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 77 35 25 02 03 पे, ताकि कोई भी बच्चा जो अच्छी गाइडलाइंस, और देखो यार मॉक टेस्ट बनाए गए हैं वो तो पूरा पूरा एग्ज़ाम पे आधारित है और समय है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि आप जो है लीजिएगा। अभी देखो अब ये चीज़ भी तो क्लियर हो रही है ना भाई कि इनका, हाँ भाई ये मैंने गौर नहीं किया था, अभी मैंने गौर कर रहा हूँ। ये देखो 2022 11, और ये देख लो टाइम से ही देख लो भाई 11 नवंबर 2019 स्क्रीनशॉट लिया हुआ, तो आप खुद देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड तो पूरी तरह से पिछले साल का ही एडमिट कार्ड है। ये मैंने नहीं भाई, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि व्हाट्सएप पर मुझे किसी ने शेयर किया था इस प्रकार से। दो बच्चे और जो कह रहे हैं ना भाई मेरा आ गया मेरा आ गया, इन पे गौर मत करो भाई, मैंने क्योंकि इनको बोल दिया था व्हाट्सएप पर आप मेरे मुझे भेज के दिखा दो, हिम्मत है तो आपकी, ये झूठ बोल रहे हैं भाई। अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई, कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, एग्ज़ाम जो मैंने बता रखी है वही जो आपकी डेटें रहने वाली हैं, आते ही मैं और जिस भी भाई का आ जाए भाई आप पे पहले डिपेंड करता है। तो आप हमें जो है बिल्कुल व्हाट्सएप पर भेजिएगा, क्योंकि दोस्त आप सभी को हम जो है लगातार मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की जो है साहस आपको जो है प्रदान कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।